प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से अपील की है कि वो कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसेस के मद्देनजर कोई भी रणनीति बनाते समय इस बात का जरूर ख्याल रखें कि सामान्य लोगों की रोजी रोटी के लिहाज से आर्थिक गतिविधियां कम से कम प्रभावित हों और अर्थव्यवस्था की गति भी बनी रहे। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों समेत केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कोरोना से निपटने की तैयारियों और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की समीक्षा की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, ये ज्यादा संक्रामक है। हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हालात पर आकलन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये स्पष्ट है कि हमें सतर्क रहना है, लेकिन घबराहट से बचना भी सुनिश्चित करना है। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। कोरोना के ताजा हालात से निपटने के लिए पीएम मोदी ने 5 मंत्र दिए। पहला, कड़ी मेहनत ही हमारी एकमात्र रास्ता है और जीत ही हमारा एकमात्र विकल्प है। दूसरा, राज्यों को आवंटित 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है, कई राज्यों ने अपने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाया है। तीसरा, भारत में करीब 92% वयस्क आबादी को पहली खुराक दी जा चुकी है, दूसरी डोज का कवरेज भी करीब 70% तक पहुंच गया है। चौथा, अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखा जाना चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। पांचवा, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बावजूद महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन सबसे शक्तिशाली तरीका है। कोरोना को हराने के लिए हमें अपनी तैयारी हर प्रकार से आगे रखने की जरूरत है। ओमिक्रॉन से निपटने के साथ साथ हमें भविष्य के किसी भी वेरिएंट के लिए अभी से तैयारी शुरू करने की जरूरत है। वर्चुअल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया समेत कांग्रेस शासित राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों के कोरोना से संक्रमित होने के कई सारे केसेस सामने आए थे और इससे बच्चों के पेरेंट्स की चिंता काफी बढ़ी भी थी, लेकिन आईसीएमआर की एक रिपोर्ट की माने तो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। इस रिपोर्ट पे नजर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने के कई मामले देखे गए हैं। ऐसे में हर माँ बाप के मन में अपने बच्चों को इस महामारी से बचाने की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब तक देश में बच्चों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इसीलिए कोई बच्चों को बाहर निकलने से रोक रहा है तो कोई बच्चों की वैक्सीन के लिए उम्मीद जगाए बैठा है। हर माता पिता बस अपने बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। जी, पहले तो हम बच्चों को बाहर बहुत कम लेके जा रहे हैं और लेके जा रहे हैं मास्क लगा के, पूरा सैनिटाइज करके लेके जा रहे हैं। हम आते हैं, हाथ मुंह धो के जाते हैं अंदर, सैनिटाइजर भी लगाते हैं। लेकिन अब ऐसे माता पिता के लिए राहत की खबर है। आईसीएमआर की एक स्टडी के मुताबिक देश के आधे से ज्यादा बच्चों को खतरनाक डेल्टा वायरस का संक्रमण हो चुका है, लेकिन राहत की बात यह है कि इन बच्चों में डेल्टा वेरिएंट के हल्के लक्षण ही रहे हैं और बच्चों को अगर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराने की जरूरत पड़ रही है तो अस्पतालों में बुखार और खांसी की हल्की दवाओं से इलाज करने की कामयाबी मिल रही है। ऐसे में अगर आपके बच्चों को हल्के लक्षणों के साथ कोरोना वायरस ने अपना शिकार बना लिया है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर बच्चों के अंदर लक्षण 3 से 4 दिन के अंदर ख़त्म हो रहे हैं और बहुत ही कम बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, बुखार के लिए सिर्फ पैरासीटामोल दवाई काफ़ी है।
आईसीएमआर ने बच्चों में कोरोना वायरस के असर को समझने के लिए 8 राज्यों में एक स्टडी की, जिसमें पाया कि आधे से ज्यादा बच्चों को दूसरी लहर में डेल्टा वायरस ने अपना शिकार बनाया। कुल 583 सैंपल में से 512 की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई। इनमें से 372 में वेरिएंट ऑफ कंसर्न मिले। 66% बच्चों के सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला, 9% में कप्पा वेरिएंट मिला, 7% में अल्फा वेरिएंट और तकरीबन 5% सैंपल में बीटा वेरिएंट मिला है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि बच्चों के इलाज में आमतौर पर केवल पैरासिटामोल से ही काम चल जाता है, इसीलिए उन्हें बिना जरूरत के दवा न दें। आईसीएमआर ने यह भी साफ किया है कि 17 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना वायरस का संक्रमण बेहद हल्का ही हो रहा है। भारत में अब 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन मौजूद है और इन बच्चों का वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है ताकि बच्चों में कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सके। किसी के बच्चे में कोरोना का लक्षण है तो उसे खाने में गर्म और तरल पदार्थ दें, बच्चों को भरपूर आराम करने दें। अगर आपको लगे कि स्थिति गंभीर हो रही है तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया ने बीते 22 महीनों में जबरदस्त बदलाव देखा है। इस बदलाव में सबसे अहम है अपने रोजगार को बरकरार रखने के लिए वर्क फ्रॉम होम कल्चर का धीरे धीरे विकसित होते जाना। अब इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए लोग बिल्डर्स के पास अपने सपनों के घर में बदलाव कराने की मांग करने लगे हैं, जिसके लिए बिल्डर्स ने अब घर के किसी एक हिस्से में वर्क फ्रॉम होम या फिर आइसोलेशन रूम बनाने की शुरुआत कर दी है। घर चाहिए तो जो वन बेडरूम जो चाहते थे वो क्या चाहते हैं कि वन एंड हाफ बेडरूम चाहिए, एक स्टडी रूम चाहिए, एक छोटा रूम चाहिए, उसमें से वो घर में ऑनलाइन काम कर सकता है। जो दो बेडरूम जो एफोर्ड करते थे उनको टू एंड हाफ बेडरूम चाहिए। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर बढ़ा है, इसको ध्यान में रखते हुए अब लोग अपने बिल्डर से ये डिमांड कर रहे हैं कि कोई वर्क स्टेशन नुमा जगह उनके लिए तैयार की जाए जहां पर वो वर्क फ्रॉम होम कर सकें। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने लोगों की डिमांड को बदलने का काम किया है। 2 साल पहले की गई फ्लैट की बुकिंग में लोग अब अपने हिसाब से बदलाव करवाना चाह रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए कि हालात के मद्देनजर अब उनको एक ऐसा स्पेस चाहिए जहां उन्हें ऑफिस जैसा माहौल मिल सके, ज्यादा ठीक होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा एक एग्जिस्टिंग डिजाइन है जिसको हम लोग ने चेंज किया था कंसिडरिंग द डिमांड दैट वी हैड। सबसे पहले हम आते हैं ये बेडरूम में, जो बेडरूम है ये आपका, ये पहले से बेडरूम नहीं था, दिस वॉज अ किचन, जो हम लोग ने यहाँ पे शिफ्ट किया है। ये प्रोजेक्ट हमारा कोरोना आने के पहले हम लोग ने लॉन्च कर दिया था और कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि इसका डिमांड बढ़ रहा है। आफ्टर द फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में एक छोटा सा विंडो मिला था हमको, जहाँ पे वापस बिजनेस वॉज गोइंग इन, और वहाँ पे हम लोग ने ये देखा कि हमारे पास एक डिमांड ऐसी बढ़ रही थी जहाँ पे लोग वर्क स्टेशन चाहते थे अपने ही घर में। मुंबई के रहने वाले आईटी प्रोफेशनल अखिल मांबुले ने अपने फ्लैट में अपने हिसाब से बदलाव करा लिए हैं। अपने छोटे से फ्लैट में अब उनके लिए एक छोटा सा वर्क स्टेशन बन गया है जिसका वे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसा था कि हमें किचन कैसा अंदर था, ये किचन का एरिया था और वो बाहर था, वो हॉल बनने वाला था, तो मैं सोच लिया कि यू नो सिंस हम लोग इधर अंदर, मैं छोटा सा रूम बना सकता हूँ अपना काम के लिए, पर्सनलाइज जो थोड़ा मुझे अच्छा स्पेस मिले। तो मैंने बिल्डर से बात किया कि हम क्यों ना बाहर किया जाए जो किचन है, मॉडिफिकेशन करके आप दें, मॉडिफिकेशन करके लाइक ओपन किचन। तो मैंने काफ़ी सारे ब्राउज किए कि सिंगापुर का ओपन किचन का टाइप होता है, तो मैंने बताया यहाँ का सेल्स वालों से, तो उनसे बात हुआ, फिर उन्होंने अपना मंथन जी से बात किया, फिर मंथन ने मेरे से बात किया, तो हम लोग ऐसा डिस्कशन से हम लोग ने फिगर आउट किया कि ऐसा कर सकते हैं। कस्टमर्स की डिमांड के आधार पर जो आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर्स हैं, वो डिज़ाइन बदल कर अब नए तरीके से जो घर बन रहे हैं उसमें वर्क फ्रॉम होम कल्चर की जो शुरुआत है उसको ध्यान में रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन अभय के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया,
मुंबई. प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर. डाउनलोड इट नाउ.